अभी तक माइक्रोसॉफ्ट डॉस डॉस हम कर रहे थे, दैट इज ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और विंडोज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके बुक में जो मेंशन है ना, दैट इज कॉल्ड विंडोज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन है. तो सेम पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. तो यहाँ पे कितने पैटर्न्स के हैं, वेराइटीज के हैं विंडोज, विंडोज का वर्जन जो रहता है उसको हम चेक कर रहे हैं. ठीक है, द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एम एस डॉस. सबसे पुराना कौन है? सबसे ओल्ड वन इज एम एस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. एम एस डॉस में क्या होता था? दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. तो उसके बेसिस पे इसके नाम बहुत सारे, कमांड लाइन इंटरफेस और टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपको कुछ टाइप करना पड़ता था, कुछ डायरेक्टरीज और कुछ आपको फाइल, सॉरी दैट इज फाइल को आपको एडिट करना है तो उसके लिए आपको कमांड मेंशन करना है, एडिट के लिए, मूव के लिए, ट्रांसफर के लिए. सो सबके लिए आपको कमांड बेस्ड होना था. तो टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड. तो अभी टेस्ट बेस्ड होने के बाद यूजर हैव टू टाइप कमांड्स रदर देन यूज मोर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अवेलेबल टूडे. तो आज के लिए, आज के टाइम के अकॉर्डिंग अभी के लिए कौन सा है? दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज है. उस टाइम पे क्या था? पहले के टाइम पे, तो पहले के टाइम पे एम एस डॉस था जो कि कैरेक्टर बेस्ड था या फिर कमांड बेस्ड था या फिर आपका टेस्ट बेस्ड था, टेक्स्ट बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स था. अभी पावरफुल कौन हो गया? सो एम एस डॉस इज ए वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, मतलब सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, विंडोज के अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर रहे हैं. तो एम एस डॉस को कुछ पॉइंट्स में बोला गया, कुछ पॉइंट्स के लिए बोला गया. जब फर्स्ट हमारा विंडोज आया तो वेरियस टाइप्स ऑफ विंडोज आ गए. अभी उसके कंपेरिजन में देखा गया तो फर्स्ट डॉस बहुत ही पावरफुल था, बट धीरे धीरे इतने पावरफुल विंडोज आए कि डॉस अभी थोड़ा सा स्मैश्ड हो गया, जस्ट लाइक वो चला गया. अभी विंडोज का जमाना चल रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग आप, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज आपको दिखाती हूँ. सो विंडोज का पूरा हिस्ट्री आएगा. अभी विंडोज मेनी एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क इन विंडोज कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड यूजिंग एम एस डॉस. सो ओनली जो यूज होता था एम एस डॉस यहाँ पे, अभी इसमें भी आप कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो विंडोज का जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको भी मिलेगा, एंड हिस्ट्री में जो था उसको भी देखते हैं, ओल्ड एंड न्यू. सो 1985 से स्टार्ट हुआ. ठीक है, 1985 में विंडोज 1.0 आया, 1.0 आया. तो वो कैसा दिखता है आपको मैंने ओनली डायग्रामेटिक दिखाया. यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये डायग्राम नहीं बनाना, तो टेंशन कोई भी नहीं लेगा. ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि इतना क्रिटिकल था पहला जो वर्जन आया, ये इतना क्रिटिकल था 1985 में विंडोज 1.0. तो विंडोज 1.0 कब आया? दैट इज द डेट बैक टू 1985, मीन्स उस पीरियड में आया, 1985 के ईयर में ये आ गया. ये व्हेन माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 1.01, ये स्पेशली था 1.01, फिर भी इसको लोग बोलते थे 1.0. ओके, तो इसमें क्या है, नॉर्मली इसमें ओके बटन था, स्क्रॉल बार था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था. कॉमनली जो कंपोनेंट्स है ना उसको याद रखना है. मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोलूँ. नेविगेशन इसमें इजी होता था, नेविगेशन जस्ट लाइक टास्क बार और टूल बार जो भी था उसको अब यूज करना थोड़ा सा इसमें इजी होता था. इसमें क्या है ना, जस्ट लाइक आप जब भी स्टार्ट करोगे या फिर कोई चीज़ को रिलीज, फाइल को रिलीज करना है तो सेकी मूवमेंट्स होता था, मतलब वो वाइब्रेट करेगा, ऐसा टाइप का चीज था. ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसमें यूज किया गया सिंगल फ्लॉपी डिस्क, ओनली सिंगल फ्लॉपी डिस्क को हमने यूज किया, सिंगल फ्लॉपी डिस्क को हमने यहाँ पे यूज किया. एंड पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस, सिंपली बोला जाता है पॉइंट एंड क्लिक, दैट मीन्स माउस आया, माउस के थ्रू हम कोई भी चीज को सिलेक्ट कर दिया एंड क्लिक कर दिया, हो गया. इतना ज्यादा ईजी था. सो उसके बाद आता है नेक्स्ट विंडोज 2.0 एंड 2.11, एट ए टाइम दोनों मेंशन किया, नहीं तो वास्ट हो जाता, एट ए टाइम मेंशन की हूँ. ठीक है, विंडोज 1987, दो साल के बाद आया विंडोज 2.0 एंड 2.11. ये देखिए और कितना क्रिटिकल दिख रहा है. डायग्राम क्लियर वाला मुझे मिला नहीं, इतना डिफिकल्ट से इतना ही मिला. तो ये टाइप का है,
कितना डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब उसमें जो लेटेस्ट साइजिंग थी वो भी थोड़ा सा ब्लर टाइप का है, अभी मेंशन किया गया, बट उसमें ब्लर नहीं था, बिल्कुल भी ब्लर नहीं था, एंड बहुत सारे कमांड्स ऑलरेडी मेंशन थे, इनबिल्ट थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिक्सिंग नेचर का आया, दैट इज एमएस डॉस का भी कुछ कैरेक्टर्स कैरी कर रहा था, एंड फास्टर, मोर फास्टर है, स्टेबल है 1.0 से, दैट इज विंडोज 1.0 से ये थोड़ा सा फास्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या लगा, पहले में क्या यूज किया हमने स्टोरेज के अकॉर्डिंग, फ्लॉपी डिस्क, सिंगल फ्लॉपी डिस्क, तो ये भी सेम पॉइंट्स में आया, ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग है, जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ 1.0, जो जो चीज वहां पे 1.0 में था ना वही सब है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्या है ये थोड़ा फास्टर है, मोर स्टेबल है, एंड हैड मोर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वहां पे एक दो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था 1.0 में, इसमें बहुत सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये स्लाइटली इम्प्रूव्ड है, बट लुक वाइज इज सिमिलर टू दैट ऑफ 1.0 है, विंडोज 1.0 है, इतना याद रहेगा। तो इसके बाद ना आपने अपने जब भी पीसीज तो सबके पास ही होगा, तो इंटेल इंटेल सुना होगा बहुत टाइम, ठीक है, इंटेल, सो ये क्या हुआ ना, विंडोज 2.0 सपोर्टेड एक्सटेंडेड मेमोरी, मतलब वहाँ पे जैसे फ्लॉपी डिस्क एक ही लगता था, तो उसका मेमोरी जितना भी उसका मेमोरी स्टोरेज है वो कम हो गया, अभी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं और भी, तो क्यों बढ़ा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अपडेटेड वर्सन है, अपडेटेड वर्सन में क्या था, यहाँ पे इंटेल्स 80,386 प्रोसेसर था, प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए इतने बड़ा प्रोसेसर हमने डाल दिया इसमें, ठीक है, एंड ये बिकम लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर वेंडर इन द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ किया था पहली बार, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ हुए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ हुए, जिसके थ्रू कंप्यूटर में क्या हो गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस ले लिया, 2.0 एंड 2.11 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एंड स्पेशली ये यूजर फ्रेंडली था, क्या था, यूजर फ्रेंडली, अफोर्डेबल था, ठीक है, सो अभी पीसीज का जो दुनिया चला उस टाइम पे 1987 में, ये थोड़ा पिकअप ले लिया अपना, जस्ट लाइक ये अपर पॉइंट पे आ गया, इसको सब खरीदने लगे, हो गया। इसके बाद इसका हिस्ट्री में और नेक्स्ट कौन आया, 1990 विंडोज 3.0 सेम जैसा पैटर्न दिख रहा है ना, यहाँ पे वैसे ही पैटर्न है, बट देखो यहाँ पे एक्सेसरीज थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक्सेसरीज आ गए, अभी कमांड का जो पॉइंट था ना वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो रहा है, जो हमने 2.0 या फिर 1.0 में कमांड्स यूज़ कर रहे थे ये रिड्यूस्ड होने लग गया, अभी आगे टास्क बार्स, टूल बार्स एंड आइकॉन्स छोटे छोटे से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे क्या था, विंडोज 3.0 सपोर्टेड 16 कलर्स, इसमें 16 कलर आ गए, 16 कलर्स आ गए, इंक्लूडेड कैजुअल गेम्स, जस्ट लाइक कैरम हो सकता है, पहले के टाइम पे डेस्कटॉप में आप देखोगे ना वहाँ पे केक मेकिंग होता था, कैसल मेकिंग होता था, ये सारे गेम्स थे, तो वो सारे इसमें भी आ गए, ठीक है, सॉलिटेयर, माइंस, माइंड स्वीपर, मतलब माइंस को साफ करना है, हार्ट गेम आता था, हार्ट ऐसे प्लेस्ड होता था, जस्ट लाइक मैं बोलूँ तो यहाँ आपका नोकिया सेट में मोबाइल में एक गेम आता था स्नेक जीनिया, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही कुछ, मैंने तो उतना ज़्यादा नहीं देखा, 1990s का नहीं देखा, जितना पढ़ा उतना समझ के बोल रही हूँ, दैट इज़ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हार्ड गेम्स रहते थे, गेम एंड गेम दैट रिक्वायर्ड मोर प्रोसेसिंग पावर, तो गेम यूज हो रहा है मीन्स तो बहुत ही प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, मेमोरी एक्सटेंड करना पड़ेगा, सो उसके साथ स्टिल यह डिपेंडेंट था एमएस डॉस के ऊपर, एमएस डॉस के ऊपर, बिकॉज जो गेम्स था गेम्स के लिए डॉस चाहिए, डायरेक्टरी कमांड्स के बिना कोई भी गेम्स नहीं चलता था, सो उस टाइम पे और भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाने आ गया 3.1 उसके साथ, सो विंडोज 3.0 एंड 3.1 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही थे, फंक्शनली बहुत ही इम्प्रूव थे, ड्रास्टिकली इन्होंने इम्प्रूव किया, मतलब मार्केट में चारों तरफ इसी का नाम चलने लगा, ठीक है। तो विंडोज 3 फैमिली प्रोवाइडेड, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रोवाइडेड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज, मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं, एट अ टाइम मोर देन वन मीडियाज को आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में,
मतलब हमारे जो भी डेस्कटॉप्स हैं उसमें यूज़ हो सकता है। एंड ये वर्क ग्रुप्स के लिए है, दैट मीन्स मल्टीपल पर्सन एट ए टाइम काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, नेटवर्क सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं, इतने पॉइंट्स थे। इसके बाद आया 1993 विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पे एंटी बोला गया, दैट मीन्स ना थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफिकल्ट थिंग्स था वो रिड्यूस्ड होने लगा, तो उसके बेसिस में आइकॉन्स बढ़ गया, जितने भी आइकॉन्स थे वो लार्जर साइज के आने लगे एंड बढ़ गया, एंड डिफरेंट टाइप्स के शेपिंग आ गया। उसके बाद टास्क बार टूल बार और भी ज़्यादा मॉडिफाइड हो गए, उसके अकॉर्डिंग जो कलर्स और गेम्स के लिए था वो भी मॉडिफाइड हो गया। ये मार्केट में न्यू प्रोजेक्ट के जैसे आया, ठीक है। ये कैसा आया, जस्ट लाइक 32 बिट। मैंने फर्स्ट क्लास में जब यूनिट 3 पढ़ाया तब आपको एक मेजरमेंट यूनिट्स पढ़ाया था, जहाँ पे निबल था, बिट था, जीबी, टीबी, एमबी, ये सब मेंशन था, तो वहाँ पे आपको बीट मेंशन था। तो 32 बीट्स दैट इज़ अ स्टोरेज यूनिट के लिए यूज़ होगा, ये प्रोसेसर से भी थोड़ा ऊपर है, एडवांस्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के लेयर्स बने, दैट मीन्स एट ए टाइम मल्टीपल हार्डवेयर जैसे यूज़ हो सके। तो ऐसे एंटी को क्यों हमने बनाया, दैट इज़ हमने यहाँ पे मेंशन किया न्यू टेक्नोलॉजी है, तो डिफरेंट वर्क स्टेशन पे, जस्ट लाइक जैसे कि पुलिस स्टेशन में हो गया या फिर बैंक्स में हो गया, डिफरेंट एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, वर्क स्टेशन हम बोलते हैं, तो वहाँ पे ऐसे टाइप के कंप्यूटर्स बहुत ही नीडी थे। एंड रेदर देन होम यूज़र्स, ओनली होम यूज़र्स के लिए कंप्यूटर बनेंगे तो मार्केट में नहीं चलेगा ना, तो उससे लिए ऐसे बने कंप्यूटर, ठीक है। अभी इसके अंदर आया स्टार्ट बटन, क्योंकि इससे पहले जितना भी चल रहा था उसके लिए ओनली फर्स्ट के लिए ओके बटन आया था, देन अभी तक स्टार्ट बटन नहीं था, तो हम कमांड के थ्रू ही स्टार्ट करते थे। तो अभी आया स्टार्ट बटन, किसमें, विंडोज एनटी में, ठीक है। अभी विंडोज एनटी के बाद आया विंडोज 95, विंडोज 95 में, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई हो गया, बहुत ज़्यादा कमांड्स और दिख नहीं रहे, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे। एंड बैकग्राउंड देख सकते हैं छोटा बहुत, छोटा छोटा आपको आइकॉन्स दिख जाएंगे, माय कंप्यूटर, जस्ट लाइक स्टोरेज के लिए, रिसाइकल बिन के लिए, छोटे छोटे से थे, अभी बहुत मॉडिफाई हो गया। तो ये स्टार्ट किया, इसमें क्या है इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, इन 1995 विंडोज वेंट थ्रू ए मेजर रिवैम्प एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 वॉज रिलीज्ड। सो विंडोज में बहुत सारा रिवोल्यूशन आया, दैट इज रिवैम्प, एक वर्ड यूज़ किया है रिवोल्यूशन को हमने बोला, विंडोज की दुनिया में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया, उसके थ्रू विंडोज 95 रिलीज्ड हो गया। एंड उसके साथ स्टार्ट मेनू अपीयर होना स्टार्ट किया, बाकी सारे पॉइंट सेम है, ठीक है, वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, थोड़ा सा एडवांस टाइप, बाकी सारे पॉइंट सेम है। यहाँ पे प्ले फीचर है, 32-bit कलर डेप्थ है, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ है, जस्ट लाइक मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकता है। एंड यहाँ पे होम यूज़र है, ये मार्केट प्लेस के लिए नहीं था। एंड प्लस होम यूज़र में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसके साथ स्कूल्स में यूज़ हुआ एंड जो स्मॉल बिजनेस एरियाज़ में यूज़ होने लगा, वर्क स्टेशन में यूज़ नहीं हुआ। 95 हो गया। अभी आईपी क्या है, दैट इज़ टीसीपी और आईपी, आईपी मीन्स प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ करना पड़ता है जो कि आप नेटवर्किंग सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी आया विंडोज 98, विंडोज 98 में क्या था, अच्छा आपके पास यूएसबी कॉर्ड होगा, जस्ट लाइक यूएसबी सपोर्ट आया, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना लॉन्च बार आया, लॉन्च बार जस्ट लाइक टास्क बार टूल बार सब मिक्सड होके एक क्विक लॉन्च बार आ गया। तो कैसे दिख रहा है देखिए, साइड में देखिए, लॉन्च बार के लिए फटाफट सारे जो जो चीज़ें करना है उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सिमिलर टू दैट ऑफ 95 था, विंडोज 95 का जो जो चीज़ें था यहाँ पे भी सेम है, बट ये इम्प्रूव्ड स्पीड एक्यूरेसी में बहुत इम्प्रूव्ड हो गया। एंड प्लग, जस्ट लाइक प्लगिंग सिस्टम में चार्जिंग करना या फिर जस्ट कहीं पे भी प्लग्ड हो गया तो ये चार्ज्ड हो जाएगा, आपको घर में ही ओनली चार्ज करना ऐसा नहीं है। एंड उसके साथ प्ले हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर को अटैच करके आप गेम खेल सकते हो या फिर उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके गेम खेल सकते हैं, ऐसे सिस्टम स्टार्ट हो गया। यूएसबी सपोर्ट आ गया। ब्राउजिंग सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, ब्राउजर जो बोलते हैं हम लोग, वेब ब्राउजर, वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया। जो जो पॉइंट्स बोल रहे हो उसको अगर रिमेंबर कर रहे हैं तो लिखने टाइम वो रिमेंबर हो गया, तो हो गया, इतने इतने पॉइंट्स हैं। अच्छा
अभी जितना गेमिंग सिस्टम है ना उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हुआ है, अभी 2000 में आ गया विंडोज मिलेनियम एडिशन, दैट इज मिलेनियम एडिशन को एमी बोलते हैं, विंडोज मिलेनियम एडिशन ये आ गया 2000 में जो आया, कलर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे वेरिएशंस आ गए, इसमें हम पेंटिंग्स कर सकते हैं वेराइटीज टाइप, राइटिंग कर सकते हैं बहुत सारे, ये कस्टमर के ऊपर बेसिस था, जस्ट लाइक बोलते हैं ना कंज्यूमर वेस्ट जो भी होता है या फिर ये कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है, तो वैसे ये था एक, ये न्यू फीचर के साथ आया था, जस्ट लाइक एमी, एमी को क्या बोला जाता, क्रिटिसाइज किया जाता था उस टाइम पे मिस्टेक एडिशन, क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल था, स्टेबल नहीं था, कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बढ़ गए थे बट स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा, तो ये 2000 में एक बिगर मिस्टेक के जैसे आया, लोगों ने बोला ये यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये यूज़र फ्रेंडली है बट एट ए टाइम इसको हम रन नहीं कर पा रहे या फिर इसके थ्रू इजीली कुछ भी गेम नहीं खेल पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, कोई सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है या फिर फाइल ओपन नहीं हो रहा, ये सारे मिस्टेक्स आए, तो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम जो आया उसके अकॉर्डिंग ये इसको हमें चेंज करना पड़ा। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि विंडोज 2000 को मेंशन किया गया, इसको बोला जाता है एंटी, दैट इज विंडोज न्यू जो टेक्नोलॉजी है 5.0, न्यू टेक्नोलॉजी 5.0 भी मेंशन किया गया था, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं हुआ तो इसको फिर से हटा दिया गया। सो उसके बाद आया विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी न्यूएस्ट मॉडल तो नहीं बोलेंगे बिकॉज 2001 का है, वन ईयर के अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, ये ऑप्शन सारे अभी भी आपके लैपटॉप में पीसीज में मिल जाएंगे, ये सारे ऑप्शंस हैं, फायरफॉक्स हो गया या फिर सर्च इंजिन हो गया, जितने भी चीज़ें हैं म्यूजिक के लिए, पिक्चर्स के लिए, एडिटिंग के लिए, सारे ऑप्शंस को आइकॉन बार के थ्रू हमें मेंशन किया गया, आइकॉन्स आने लगे। तो अभी क्या है, जो भी फर्स्ट एंटी आया था न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है आपका विंडोज एक्सपी, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जो आया था विंडोज एंटी के थ्रू उसी का मॉडिफाइड वर्जन है एक्सपी। इसमें बहुत सारे कलर थीम्स थे, मतलब हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उसके पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, एंड 3D गेमिंग आ गया, 3D गेमिंग आ गया, एंड वर्चुअली हमने जो डॉस के साथ यूज़ कर रहे थे ना गेमिंग्स के लिए, कोई भी ऐसे आइकॉन्स नहीं थे या चला नहीं पा रहे थे, तो कमांड्स नहीं, मतलब कमांड्स थे, शॉर्टकट कीज नहीं थे, तो अभी शॉर्टकट कीज आ गए गेमिंग्स के लिए, इसलिए 3D गेम्स बन गए, एंड जो भी डॉस के थ्रू गेम्स चला था वो चला गया, हटा दिए उसको, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, ये वेल सपोर्टेड है विंडोज एनटी में, दैट मीन्स अ न्यू टेक्नोलॉजी में हम 32-bit को यूज़ करते थे एज अ स्टोरेज यूनिट, अभी यहाँ पे 64 है, जस्ट लाइक आपका जो पहला फोन आता था तो उसमें ना पहले आया कि ये इतना GB इसमें है, फिर आया 4GB, 6GB, 8GB, ऐसा मेंशन करते करते अभी 64, 124 ऐसे ऐसे आ रहे हैं, उसके ऊपर भी है 254 भी है, तो वैसे मेंशन करेंगे तो ये 64-bit कंप्यूटिंग था, दैट मीन्स ये थोड़ा सा वेल सपोर्टेड था, बट इसमें फिर भी ड्राइव्स नहीं है, लैकिंग ड्राइव्स, जस्ट लाइक ड्राइवर हो गया, ये ड्राइव्स होगा, ठीक है, आर नहीं होगा, ड्राइव्स होगा, एंड एप्लीकेशन टू रन, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट किया कि एप्लीकेशन जो चलाना है, एप्लीकेशन को स्टोर भी करना पड़ेगा, तो उसको रन करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, अदरवाइज और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी आया विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ विस्टा थोड़ा सा देखो कितना कलरफुल हो गया है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ गया, अभी बहुत सारे चीज़ें और भी मॉडिफाइड हो रहे हैं। सो विंडोज़ विस्टा में हम बोल सकते हैं ये लॉट ऑफ रिसोर्सेज को लेके आया, ठीक है, ये बोल सकते हैं मोर पॉलिस्ड, पॉलिस्ड मीन्स पॉलिसिंग एजेंट होता है ना, जैसे आपको पॉलिसिंग मीन्स ये पॉलिसी मेकर्स नहीं, आप जैसे खुद को सजाते हो, मेकओवर लेते हो ना, ये वन काइंड ऑफ मेकओवर था, जितने कंप्यूटर्स थे उसका मेकओवर था, जो जो प्रॉब्लम्स थे विस्टा में सारे कुछ ठीक हो गए थे, इसमें विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे, विजुअल इफेक्ट्स, एंड इसमें और क्या था, पॉलिस्ड अपीयरेंस तो है, इसमें कंपनी ने बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया था, बट OS वॉज स्लो, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें स्लो हो गया,
स्टार्ट एंड रन जो भी था ये स्लो हो गया. विस्टास क्लॉज कपल्ड विद द फैक्ट दैट मेनी ओल्डर कंप्यूटर्स लैक द रिसोर्स टू रन द सिस्टम लेड टू मेनी होम एंड बिजनेस यूजर्स स्टेइंग विद एक्सपी. सो कुछ बिजनेसेस में विस्टा को यूज़ नहीं कर पाए, ओनली ये होम में ही रह गया होम यूजर्स के तरह. एंड जो ओल्ड कंप्यूटर्स में लैकिंग था वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल हुआ कि बहुत सारे रिसोर्सेस यूज हुए, फिर भी बहुत लोगों ने बिजनेस में इसको यूज़ नहीं कर पाए, तो वही विंडोज एक्सपी को यूज़ किया. अभी विंडोज 7 है, 7 में तो आप जानते हो बहुत सारे चेंजेस आए थे. ये बिगेस्ट चेंजेस आया बिटवीन विस्टा एंड विंडोज 7, यहाँ पे फास्टर बूटिंग सिस्टम है, बहुत कम टाइम पे ये स्टार्ट हो जाता है. ये न्यू यूज़र इंटरफेस है, ये एडिशनल है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये एक्सप्लोरर 8 बोल सकते हैं, विथ ट्रू 64 बिट है यहाँ पे बिट सपोर्ट एंड डायरेक्ट एक्स फीचर, मीन्स एक्स्ट्रा बहुत सारे फीचर्स थे. एंड ये पॉपुलर हो गया, उस टाइम पर सबसे पॉपुलर था विंडोज 7. एंड विंडोज 8 आया 2012 में, ये ऐसा दिखता है. विंडोज़ 8 अब बहुत लोगों के पास होगा, अभी तो आप लोगों के पास होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे विंडोज़ 8 टू बेटर एडवांटेज मल्टी कोर प्रोसेसिंग. मल्टी कोर प्रोसेसिंग है यहाँ पे, इंटेल आई कोर मेंशन होता है. ये बहुत ही फास्टर वर्क करता है. ये मेट्रो यूज़र इंटरफेस है, मतलब यहाँ पे जो आप यूज़ करते हो बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं. एंड टाइल बेस्ड बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी सिस्टम रहेंगे आइकॉन्स रहेंगे ना ऐसे मूव होते रहते थे कि आपको गूगल यूज़ करना, ये करना, वो करना, ये ऐसे मूव होते रहेंगे, जैसे स्क्रीन में मूव होते रहते वैसे थे. एंड ये सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करता था, SSD यूज़ करेगा. टच स्क्रीन आ गया, इनपुट मैथड बहुत ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में आ गए, बहुत ही फास्टर हो गया. अभी विंडोज 10 2015 का, विंडोज 10 आया अभी जस्ट रिसेंट का बात है, दैट इज विंडोज 10 इन सेप्टेम्बर 2014, दैट इज 2014 में अनाउंस किया गया. एंड इसको स्किपिंग करके थोड़ा विंडोज 9 को आए, विंडोज 9 एंड लॉन्च्ड ऑन, मतलब हम विंडोज 9 का जो पॉइंट था उसको हमने स्किप कर दिया क्योंकि विंडोज 9 इतना वास्ट नहीं था, तो विंडोज 10 में आए. तो ये लॉन्च्ड हुआ जुलाई 2015 में, क्योंकि विंडोज 9 इससे पहले 2014 में इसी के साथ आया था, बट विंडोज 9 में कुछ कुछ फॉल्ट रह गया, तो विंडोज 10 फिर से आया जुलाई 2015 में. ये वर्जन क्या करता है, स्टार्ट मेन्यू इसके पास है, ठीक है, विच वॉज एबसेंट फ्रॉम द विंडोज 8. विंडोज 8 में जो स्टार्ट मेन्यू नहीं था, इसमें स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है. यहाँ पर डिजाइन फीचर्स है, यहाँ पर बहुत सारे कंटिन्यूम लिखा गया, कंटिन्यूम मीन्स कंटिन्यूसली आप एटम्स ले सकते हो. ये इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस डिपेंडिंग है, एंड आप कहाँ काम करना चाहते हो, कौन से पॉइंट पे काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग है. टच स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है इनपुट के लिए. न्यू फीचर्स और क्या है, ऑन स्क्रीन बैक बटन है, ऑन स्क्रीन आप ऑन कर सकते हो देन बैक भी कर सकते हो. एंड सिंप्लीफाइड टच इनपुट है, टच करके ही कोई चीज़ को इनपुट कर सकते हैं. एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये पीसीज में सबसे रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आया था पीसीज, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स में, जिसके थ्रू बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी वाले सब सिस्टम्स आ गए. एंड ये बहुत ही वेरियस रोल प्ले किया. हो गया, इतना है.